जरा सोचो, एक मानसिक तौर पर बीमार आदमी को झूठे केस में जेल भेज दिया जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है जना नाम की एक वकील से, जो अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट में मुकदमा लड़ रही थी। उसके मुताबिक उसके पिता पर लगे हुए सभी आरोप झूठे थे। इसके बाद कहानी 1997 में गई, जहां 6 साल की जना और उसके पिता माइक एक दुकान के बाहर खड़े होकर एक सेलर मून बैग को देख रहे थे। जना को वो बैग बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए उसके पिता ने तनख्वाह मिलते ही उसे वो बैग दिलाने का वादा किया। पर तभी उन्होंने देखा कि एक पुलिस कमिश्नर अपनी बेटी के लिए वही बैग खरीद रहा था। माइक ने तुरंत ही उसे रोकने की कोशिश की, पर उस पुलिस कमिश्नर ने माइक को पीट कर दुकान से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो दोनों मार खाकर वापस अपने घर आ गए, पर जना काफी ज्यादा समझदार थी और उसने एक बार भी अपने पिता से बैग ना खरीदने की शिकायत नहीं की। माइक की दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से जना अपने पिता का खास ध्यान रखती थी। अगले दिन जब माइक अपनी तनख्वाह गिन रहा था, तो उस पुलिस कमिश्नर की बेटी भी वहां पहुंच गई और वो माइक को एक ऐसी दुकान पर ले जाना चाहती थी जहां वो अपनी बेटी के लिए वो सेलर मून बैग खरीद सके। पर रास्ते में अचानक उस लड़की का पैर बर्फ में फिसल गया और तभी ऊपर से एक ईंट आकर उसके सर पर गिरी, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। माइक ने उसे बचाने के लिए उसे CPR देने की कोशिश की, पर पास में ही बैठी एक औरत ने इसे गलत हरकत समझकर माइक के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस माइक को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आई, जहां उसे अपनी बीमारी की वजह से समझ ही नहीं आ रहा था कि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और वो बार बार वापस घर जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी इस हरकत से परेशान होकर पुलिस वालों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अगली सुबह पुलिस ने माइक पर आरोप लगाया कि उसने पुलिस कमिश्नर से बदला लेने के लिए उसकी बेटी की हत्या की है, और साथ ही उसे क्राइम सीन पर भी ले जाया गया, जहां उसे इस पूरी वारदात को फिर से करके दिखाने को कहा गया। तभी जेना भी अपने पिता को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई और अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर वो तुरंत ही माइक की तरफ भागी, पर पुलिस वालों ने उसे अपने पिता से मिलने नहीं दिया। इसके बाद माइक को जेल में भेज दिया गया, जहां वार्डन ने भी उसे ऐसी घटिया हरकत करने के लिए काफी पीटा। इसके बाद उन्होंने उसे सेल नंबर 7 में भेज दिया, जहां कुछ कैदी पहले से ही रह रहे थे और उन्होंने भी माइक को काफी पीटा। लेकिन इस सब के बावजूद भी माइक के दिमाग में सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी। जेल में सभी कैदियों को फुटबॉल बनाने का काम दिया जाता था। माइक का सेलमेट और कैदियों का लीडर जॉन इसी का फायदा उठाकर उन बॉल्स में सामान डालकर स्मगलिंग किया करता, और इसी तरह सामान की स्मगलिंग करके उसने जेल में अपनी पकड़ बना ली थी। पर इसी के साथ जेल में उसके दुश्मन भी बहुत बढ़ गए थे, जिसके चलते एक दिन दूसरी गैंग के लीडर ने जॉन को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर माइक ने बीच में आकर उसकी जान बचा ली। उसकी इस हरकत से जॉन बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने माइक से कहा कि भाई तुझे क्या चाहिए बता, जो तू कहेगा वो हो जाएगा। लेकिन माइक तो सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहता था। कुछ दिनों बाद जेल में एक चर्च शो होने वाला था, जिसका फायदा उठाकर जेना को भी जेल में लाया गया, और सही मौका मिलते ही एक कैदी उसे डब्बे में छिपाकर माइक के सेल में ले आया। अपनी बेटी से मिलते ही माइक ने सबसे पहले तो उससे माफी मांगी और उसे पूरी कहानी सुनाई, पर तभी उन्हें पता चला कि चर्च शो को तो बीच में ही बंद कर दिया गया था। जिसके बाद एक कैदी तुरंत ही जेना को वापस छोड़ने के लिए गया, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि बस तो कब की जेल से निकल गई। अब उनके पास जेना को अपने साथ रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे उसके सेल में सभी कैदी समझ गए कि माइक किसी को नहीं मार सकता, क्योंकि वो खुद अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उधर एक के बाद एक दिन बीतते चले गए और अब सभी कैदियों को जेना के साथ खेलने कूदने में मजा आने लगा। पर तभी एक रात जब वार्डन चर्च शो की फोटोज देख रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि जेना कभी जेल से बाहर गई ही नहीं। उसने तुरंत ही जेल में तलाशी के ऑर्डर्स दे दिए और पुलिस ने थोड़ी देर में ही जेना को ढूंढ निकाला, जिसके बाद उस बेचारी को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। जेना के जेल में होने की खबर धीरे धीरे पूरी जेल में फैल गई, जिससे गुस्सा होकर एक कैदी ने जेल में आग लगा दी। जैसे ही वार्डन को इस बारे में पता चला, तो उसने तुरंत ही सभी कैदियों को मैदान की तरफ भागने का आदेश दिया। वार्डन खुद उस कैदी को वहां से निकालने के लिए गया, पर तभी वो आग ज्यादा बढ़ गई, जिस वजह से वार्डन और वो कैदी अंदर ही फंस गए। जैसे ही माइक को इस बारे में पता चला, तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना वार्डन को बचाने चला गया। होश आने के बाद जब वार्डन को पता चला कि माइक ने उसकी जान बचाई थी, तो उसे एहसास हुआ कि असल में माइक के साथ धोखा हुआ था, और जो इंसान किसी की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दे, वो कभी किसी बच्ची को मार नहीं सकता। उधर जेना ने वापस से स्कूल जाना शुरू कर दिया था, और जब उसकी टीचर ने उससे इतने दिन तक स्कूल ना आने की वजह पूछी, तो जेना ने जवाब में सिर्फ अपने पिता से मिलने की बात कही।
जिसके बाद वो टीचर को लेकर जेल पहुंची, जिसे देखकर टीचर हैरान हो गई। जैना को देखकर माइक बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने ढेर सारी बातें भी की। अपने पिता से मिलने के बाद जैना ने खाना पीना छोड़ दिया था, जिस वजह से उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। जल्द ही उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा, जहां जेल का वार्डन भी उससे मिलने पहुंचा। जैना ने वार्डन से कहा कि मुझे भी अरेस्ट करके जेल में ले जाओ, ताकि मैं अपने पापा के साथ रह सकूं। माइक और जैना की हालत देखकर वार्डन ने कहा कि तुम हर रोज स्कूल के बाद अपने पापा से मिलने आ सकती हो। और साथ ही वार्डन माइक की केस फाइल पढ़ने लग गया, जिसे पढ़ते ही वो समझ गया कि इस बंदे के साथ कुछ तो गलत किया जा रहा है, और इसीलिए उसने माइक की मदद करने का फैसला किया। इसके बाद वो कमिश्नर से मिला, जहां उसने माइक के केस की फिर से जांच करवाने की रिक्वेस्ट की। पर वो ये नहीं जानता था कि ये सारा जाल कमिश्नर का ही तो बिछाया हुआ है। धीरे धीरे जैना सभी कैदियों की काफी अच्छी दोस्त बन गई। वो हर रोज जेल में आती तो थी ही, तो वो साथ साथ जॉन को पढ़ना लिखना सिखाने लगी। एक दिन वो अपने क्लास के एक बच्चे से फोन मांग कर जेल में ले आई, ताकि सभी कैदी अपने घर पर बात कर सके। धीरे धीरे वहाँ सभी लोग एक परिवार की तरह रहने लग गए, और एक दिन उन्हें पता चला कि माइक के फैसले की तारीख नजदीक आ रही है। इसीलिए सभी कैदियों ने उसकी मदद करने का फैसला किया, जिसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने हादसे को कई बार दोबारा बनाकर देखने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें पता चला कि असल में वो लड़की जमी हुई बर्फ की वजह से फिसली थी, और नीचे गिरते वक्त उस लड़की ने गलती से एक रस्सी को खींच दिया जो एक ईंट से बंधी हुई थी, जिसके बाद वो ईंट सीधा आकर उसके सर पर लगी। इसके बाद उन कैदियों ने अपने अनुभव से माइक के लिए कई सारे सवाल तैयार किए, और उसे उनके जवाब देने के लिए तैयार करना शुरू किया। माइक की बीमारी के चलते उसके लिए ये सब काफी मुश्किल था, पर फिर भी उसने दिन रात इसके लिए मेहनत की। फैसले की तारीख से पहले माइक से मिलने के लिए पब्लिक लॉयर जेल में आया, जिसके मुताबिक अगर माइक अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो उसे किसी भी हाल में गुनाह कबूलना होगा, वरना कमिश्नर उसकी बेटी को जान से मार देगा। कुछ दिनों बाद जब माइक को फैसले के लिए कोर्ट में लाया गया, तो कमिश्नर उससे मिलने के लिए वेटिंग रूम में आया, जहां उसने माइक को पीटते हुए वकील की बात याद दिलाई और जैना को जान से मारने की धमकी दी। थोड़ी देर बाद जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई, तो माइक काफी डरा हुआ था, इसीलिए उसने तुरंत ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये देखकर वार्डन ने जज को माइक की बीमारी के बारे में बताने की कोशिश की, पर कोर्ट ने तो माइक को मौत की सजा सुना दी। माइक की सजा की तारीख 23 दिसंबर रखी गई थी, जो जैना का जन्मदिन भी था। माइक के सभी कैदी दोस्तों को बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने उसे हॉट एयर बैलून की मदद से जेल से भगाने का फैसला किया। इसके बाद उन सभी ने दिन रात इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने बाकी कैदियों और जैना की टीचर से भी मदद मांगी, जिसके बाद जेल में एक और प्रोग्राम रखा गया, और मौके का फायदा उठाकर जैना और माइक को एक हॉट एयर बैलून में बैठा दिया गया। बैलून के उड़ते ही पुलिस को भी इस बारे में पता चल गया, पर सभी कैदियों ने मिलकर पुलिस वालों को उन्हें पकड़ने से रोक दिया। पर तभी उस हॉट एयर बैलून की रस्सी एक तार में जाकर फंस गई, जिसके बाद अब वो बैलून आगे नहीं जा सकता था। अब उनका प्लान तो नाकामयाब हो ही गया था, पर इस मौके का फायदा उठाकर माइक ने एक आखिरी बार अपनी बेटी के साथ सूरज को डूबते हुए देखा। 23 दिसंबर की तारीख आ चुकी थी, और अपनी सजा से पहले माइक ने अपने सभी कैदी दोस्तों के साथ जैना का जन्मदिन मनाया। सभी कैदियों ने मिलकर उसके लिए केक बनाया था, और साथ ही सभी अलग अलग तोहफे भी लेकर आए थे, और आखिरकार माइक ने अपने वादे के मुताबिक उसे सेलर मून बैग तोहफे में दिया। सभी लोग जानते थे कि माइक को थोड़ी ही देर में फांसी दी जानी थी, इसीलिए उनमें से कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था, पर फिर भी उनमें से किसी ने भी जैना को ये बात नहीं बताई। थोड़ी देर बाद सिपाही माइक को सजा के लिए ले जाने आए, पर जाने से पहले माइक ने अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा किया। उन सबको उसे जाते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने से पहले एक आखिरी बार माइक ने अपनी बेटी को गले लगाया। अपनी फांसी के लिए जाते वक्त माइक को अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई दी, और वो तुरंत ही वापस अपनी बेटी से मिलने के लिए आ गया। वो बार बार मदद के लिए चिल्ला रहा था, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, और उधर वार्डन भी अपने आप को मजबूर महसूस कर रहा था, क्योंकि वो चाहकर भी माइक की मदद नहीं कर सकता था। और आखिरकार माइक को उस गुनाह के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया, जो उसने कभी किया ही नहीं था। 16 साल बाद जब जैना एक वकील बन गई थी, तो उसने अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट में एक मुकदमा किया। वार्डन और माइक के सेलमेट्स भी इस केस की सुनवाई पर आए थे, और आखिरकार जैना अपने पिता की बेगुनाही साबित करने में कामयाब हो गई। जज ने पिछले फैसले को बदल कर माइक को बेकसूर घोषित कर दिया, और उस लड़की की मौत की जांच फिर से करने का आदेश दिया।
सभी लोग बेहद खुश थे और इसके बाद जेना तार में फंसे उस गुब्बारे को देखकर अपने पिता के साथ हॉट एयर बैलून में बिताए हुए उन खूबसूरत पलों को याद करने लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।